तो वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो आप लोग? सो गाइस, कुछ दिन पहले यार बहुत ज़्यादा सीरियस इशू हो गई थी मेरे साथ, एंड एज यू कैन सी यार मेरी जो SSD ड्राइव है यार सी वाली, वो ऑटोमेटिकली फेल होने लगी थी। अब मेरे को कुछ आइडिया नहीं आ रहा था कि कैसे ये हो रहा है, एंड ये बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। देन फाइनली यार अब आप लोग देख सकते हो, जैसा कि अभी मेरी जो है वो 83.5 GB फ्री है। तो यार मैंने ये कैसे किया एंड आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो गाइस, ये बिल्कुल मत सोचना कि वीडियो किसी आपके काम का नहीं है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो 60% गारंटी है कि आपके साथ जरूर हो जाएगा। और अगर यार थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज रख लोगे तो किसी की हेल्प कर सकते हो, किसी टाइम पे अपने दोस्त की मदद कर सकते हो। सो मैं रिकमेंड करूँगा, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है? आज मैं आप लोगों को यार कुछ अच्छे तरीके बताने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हो टेक रोहित। सो गाइस, सबसे पहला जो हमारा जनरल मेथड होता है हम उसी को फॉलो करने वाले हैं, ठीक है? और अगर यार आप लोगों को कोई सा भी डाउट है या फिर आपका नहीं हो रहा, मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। सबसे पहले हम लोग यार Windows+R को दबाएंगे, ठीक? लिखना है प्रीफेच, ठीक है? तो जैसे ही आप प्रीफेच लिखोगे यहाँ पर कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, सो क्लिक करना है। देन आपको Ctrl+A करना है एंड Shift डिलीट कर देना है, ठीक है? तो इससे यार आपकी सारी करंट फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। इसको स्केप कर देना है। ओके, सो ये डिलीट हो गई है। अगेन आपको Windows+R दबाना है, ठीक है? रन करना है एंड फाइनली आप लोगों को यहाँ पर लिखना है temp। डोंट वरी गाइज, ये सभी हमारे temp फाइल्स हैं, तो आप लोगों को कोई सभी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है? तो आप लोग इसको Shift डिलीट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब आगे यार एक बार और से Windows+R दबाएंगे एंड यहाँ पर हम लोग लिखेंगे temp%, यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड ये आ जाएगा। ये इसको Shift डिलीट हमें करना है, जो नहीं हो रहा है उसको स्किप कर देना है एंड फाइनली हमारा डिलीट हो चुका है। सो गाइज, ये तो जनरल मेथड्स हुए कि आप कैसे मतलब कि थोड़े से डिस्क स्पेस को मतलब बढ़ा सकते हो। अब यार कुछ बड़े मेथड्स पे भी आते हैं। सो गाइस, अगली चीज आती है हमारे डिस्क लेने। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर जाना है एंड आपको सर्च करना है डिस्क पीसी या माई पीसी जो भी है, तो वो क्लिक करना है एंड इसको ओपन कर लेना है, ठीक है? एंड यहाँ पर जाने के बाद यार आप लोगों को इस पे जाना है एंड इस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ प्रॉपर्टीज पे जाना है एंड फाइनली आप लोग देख सकते हो यार कि यहाँ पर डिस्क क्लीनअप का ऑप्शन है। आपको डिस्क क्लीनअप करना है एंड गाइज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारे फाइल्स यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। आपको ये सब कुछ सेलेक्ट कर लेना है एंड आपको फाइनली क्लीनअप सिस्टम फाइल्स पे जाना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड फाइनली ये कैलकुलेट कर रहा है, सो थोड़ा सा वक्त लेगा एंड देखते हैं। हाँ देखो गाइज, आ चुका है। सो इन टोटल 345 MB अभी ये स्टोर करके रखा हुआ था। यार आप लोग डिलीट करोगे तो हो सकता है आपका कहीं 1 GB या 1.5 GB तक भी पहुंच सकता है। ओके, तो आपको यहाँ पर ओके कर देना है एंड फाइनली डिलीट फाइल्स। डोंट वरी गाइज, कोई सा भी फाइल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, आपको बस ये सभी डिलीट कर देना है। सो देखो यार ये खत्म होने वाला है एंड फाइनली ये खत्म हो गया। सो गाइज, आप लोग एक और काम कर सकते हो। अगर आप लोगों का SSD नहीं है, ठीक है, तो आप लोग यार यहाँ पर कंप्रेस भी कर सकते हो। बिकॉज अगर आपका SSD हुआ, और गाइज अगर आप कंप्रेस करते हो तो उससे आपको जास्ती फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि SSD ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है, कंप्रेस करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? अगर आपका HDD है तो फिर आप कंप्रेस कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। कंप्रेस करने से क्या होगा वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा यार, अगर आप लोग पूछोगे तो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। गाइज, नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा सिस्टम रीस्टोर पॉइंट्स। इसको आपको कैसे करना है, तो आप लोग सब सिंपली सर्च बार पे जाओ एंड फाइनली यार आप लोगों को सर्च करना है दिस पीसी एंड यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है एंड फाइनली आपको जाना है प्रॉपर्टीज़ पे। तो जैसे ही प्रॉपर्टीज़ पे जाओगे यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा यार, यहाँ पर देखो आप लोग सिस्टम प्रोटेक्शन, ठीक है? ये देखो सिस्टम प्रोटेक्शन, इसको आपको क्लिक करना है। ये बेसिकली सिस्टम रिस्टोर पॉइंट है, मतलब कि मान लो अगर आपका कभी विंडोज़ करप्ट हो जाता है या फिर कुछ ऐसा हो जाता है, सो गाइज इसकी मदद से आप लोग जो है वो वापस से रिट्राइव कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग सी के लिए बात करने वाले, तो देख सकते हो विंडोज़ SSD सी तो ये ऑलरेडी ऑन है। अगर आप कॉन्फ़िगर पे दबाओगे तो यार देखो आप लोग 10 GB बैकअप मेमोरी मेरे स्टोर है, मतलब कि अगर मेरा 256 GB है तो उसमें 10 GB ये रखा हुआ है, मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ सिस्टम रिस्टोर पॉइंट। सो गाइज मैं रिकमेंड करूँगा अगर आपका ये ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल 20 या 30 GB, तो आप इसको घटा करके 10 या 15 GB पर लिख के आ सकते हो, तो वहाँ से आपका और थोड़ा डिस्क बच सकता है। लेकिन अगर आपका कम है तो मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग इसको और ज़्यादा कम करो, ठीक है? ठीक है, नहीं तो आप लोग यार यहाँ पर डिसेबल भी कर सकते हो अगर आपको नहीं चाहिए कि सिस्टम मेरी रिस्टोर रहे, या फिर आप लोगों को कभी फ्यूचर में उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप लोग इसको डिसेबल कर सकते हो, आप लोगों की पूरी 10 GB बच जाएगी, ठीक है? सो गाइस नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा डिसेबल हाइबरनेशन। उसके लिए क्या करना है यार, आपको सिंपली सर्च बार पे जाना है एंड यहाँ पर आपको लिखना है CMD। तो जैसे ही यहाँ पर आप CMD लिखोगे यहाँ पर ऑप्शन आता है कमांड प्रॉम्प्ट का, इस पर आपको राइट क्लिक करना है एंड फाइनली आपको जाना है रन एज एडमिनिस्ट्रेट। सो गाइस ये ओपन होने के बाद आपको लिखना है POWERCFG.exe/, ओके स्पेस मार के आपको लिखना है स्लैश एंड हाइबरनेट ऑफ, ठीक है? तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे एंड एंटर कर दो, तो गाइस एंटर करोगे तो यार ये यहाँ पर जो है वो हाइबरनेट को ऑफ कर देगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप जो आता है यार वो है डिलीट एंड मूव अननेसेसरी एप्स। तो गाइस जैसा कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे यार मान लो ये वैलोरेंट है, ठीक है? अभी मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ,
तो अगर आप देखोगे वैलोरेंट की जो फाइल साइज़ है वो कितनी है, तो प्रॉपर्टीज में जाओगे तो 19.1 GB अभी मेरे सी ड्राइव में लिया हुआ है। सो गाइज मैं ऐसा रिकमेंड करूँगा, तो अगर आप लोग कोई गेम खेलते हो ठीक है, तो अगर वो ज़्यादा जीबी का है ना यार, ज़्यादा फाइल अगर कंज्यूम कर रहा है, तो उसको आप शिफ्ट कर दो डी में। तो जब भी कोई गेम इंस्टॉल होता है तो एक्चुअली में उसका डिफ़ॉल्ट ड्राइव सी होता है, तो आप लोग उसको देख लेना कि वो सी है, तो आप लोग उसको कन्वर्ट कर दो डी में, या तो फिर आप ऑलरेडी कोई इंस्टॉल करे हुए ऐप को तो आप लोग जस्ट यूट्यूब पर सर्च कर लो हाउ टू मूव दैट ऐप इन डी ड्राइव, एंड फाइनली आप लोग उसको डी ड्राइव में कर सकते हो। एंड गाइस बात मानो यार, इससे बहुत ज़्यादा स्पेस आप लोगों का बच जाएगा ठीक है, तो दैट इज़ अ गुड ऑप्शन यू कैन इम्प्लीमेंट। एंड गाइज आप लोगों को एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा यार, ये एक्चुअली यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो कि ये मेरा यार AVD मैनेजर है। आप लोगों में से कोई अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट करता होगा तो आप लोगों को पता होगा कि ये क्या चीज़ है। तो गाइज जैसे कि आप लोग देख सकते हो यार, ये जो है वो एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आता है ठीक है। ये जो मेरा AVD स्टूडियो है वो एक्चुअली एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर आता है। तो ये जो मेरा स्पेस है यार वो 9.7 GB का एक्वायर कर रहा है सी में ठीक है। तो अगर आप लोग भी कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जिसके अंदर भी एक सॉफ्टवेयर चलता है, तो फिर आप उसको मूव कर सकते हो ठीक है। जैसे कि इस केस में आप लोग देख सकते हो यार, जो AVD लिखा है ना वही एक्चुअली मेरे AVD मैनेजर है, एंड मैं इसको मूव कर सकता हूँ डी ड्राइव में। आपको क्या करना है, आपको सिंपल सर्च करना है यूट्यूब पर कि कैसे इसको मूव कर सकते हैं, आप लोगों को मिल जाएगा, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। मेरे को बहुत ज़्यादा मदद की थी इसने। सो गाइज नेक्स्ट थिंग आता है हमारा अनइंस्टॉलिंग द अनयूज्ड एप्स। तो गाइज आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मतलब वही दिस PC पे चले जाना है दिस PC पे, एंड फाइनली ये खुल करके आएगा, एंड फाइनली आपको यहाँ पर अनइंस्टॉल और चेंज प्रॉपर्टीज आएगा। सो गाइज यहाँ कई सारे चीज़ हैं जो ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल्ड है, तो अगर मैं कोई चाहता हूँ कि नहीं यार ये नहीं होना चाहिए, तो आप लोग सिंपली यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, एंड फाइनली आप लोग यहाँ पर अनइंस्टॉल का ऑप्शन, तो आप इसको क्लिक कर सकते हो, तो फाइनली यार ये अनइंस्टॉल हो जाएगा। एंड गाइज कई सारे ऐसे होते हैं ऐप्स जो कि आप रियली यूज़ नहीं करते हो और वो बहुत ज़्यादा स्पेस ले करके रखते हैं। सो गाइज आप लोग यहाँ पर छाट लेना कि कौन सा आप लोगों के काम का है एंड कौन सा नहीं है। अब गाइज ये सब में कुछ मत कर देना ठीक है, अनइंस्टॉल नहीं तो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आप लोग देख लेना, कोई अगर ऐसा ऐप है फॉर एग्जांपल ऑफिस, तो मेरे किसी काम का नहीं है तो मैं इसको अनइंस्टॉल कर सकता हूँ ठीक है। तो अनइंस्टॉल कर दूंगा तो मेरे 122 MB और जितना भी ये फाइल रखा होगा सी ड्राइव में, सभी मेरा खाली हो जाएगा। दैट्स वाई मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो भी आप नहीं करते हो यूज़ उसको आप अनइंस्टॉल कर दो, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो अभी तक मैंने जितना भी बताया वो मेरे किसी काम का तो नहीं था, जब मैं यार एक्चुअली मैं सर्च कर रहा था तो जो फाइनली मेरा वर्क किया यार वो था डाविंची रिजॉल्व। यार ये एक एडिटर है जो कि मैं यूज़ करता हूँ एडिटिंग के लिए ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर यार अभी लोकल डेटा बेस है ठीक है, तो जो भी मैं वीडियो एडिट करता हूँ यह ऑटोमेटिकली सेव होता चला जाता है, एंड ये बहुत ज़्यादा स्पेस लेकर के रखता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, तो अगर मैं भी SSD खोलूँगा तो आप लोग देख सकते हो 84 GB तक ये फ्री है। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, एक कोई सा भी आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके तो ये हो गया हमारा डिलीट, एंड फाइनली अब आपको मैं स्पेस दिखाता हूँ। अब जो हमारा जो स्पेस बचने वाला है वो 93। सो गाइस देख सकते हो अभी 84 था, अभी फाइनली 93.3 GB हो गया। मतलब अभी मैं सभी को डिलीट कर दूंगा तो 100 GB पक्का ही मेरा फ्री हो जाएगा। सो गाइस अगर आप लोग ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जहाँ पर इंटरनल प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं एंड सी ड्राइव में होते हैं, तो आप लोग उसको डिलीट करते चलो क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो एक्चुअली यार पूरा भरा हुआ था मेरा, एंड फनी जब मैं डिलीट करना स्टार्ट करा तब जा करके मेरे को एहसास हुआ कि एक्चुअली यहाँ प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आप ऐसा कुछ यूज़ करते हो तो और आपका टेम्प्रेरी में कुछ बन रहा है, कोई एडिटर है और टेम्प्रेरी में बन रहा है, तो आप लोग उन सभी फाइल्स को डिलीट कर दो, तभी आपका स्पेस खाली हो पाएगा। मेरे में तो यही यूज़ हुआ, एंड हो सकता है आप लोगों के लिए भी यही यूज़ हो जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपका कोई भी मेथड वर्क नहीं किया तो आई एम सॉरी गाइज, आप लोग मेरे को कमेंट कर सकते हो ठीक है, मैं सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन हैव अ गुड डे।